हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सलवार की कटिंग करना बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए हम सलवार की कटिंग करते हैं। यह हमने सलवार के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड किया है। पहले हम सलवार के पार्ट्स निकालेंगे। हमारी सलवार की लेंथ 30 इंच तैयार है, जिसमें हम 5 इंच की बेल्ट पाएंगे। 30 में हम 5 इंच माइनस करेंगे, ये हमारा रह जाएगा 33 इंच। 33 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, 34 इंच। पार्ट्स की लेंथ हम 34 इंच लेंगे। अब इसकी हम विड्थ लेंगे। जितना आपका पोंचा तैयार है उतनी हम इसकी विड्थ लेंगे। जैसे हमारा पोंचा 7 इंच तैयार है, उसका हो जाएगा डबल 14 इंच। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ 14 इंच लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हमने पार्ट्स निकालने, अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसमें हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हमारी 5 इंच तैयार है, जिसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए। ये हमारा हो जाएगा 7 इंच। और बेल्ट की जो विड्थ है हम अपनी हिप अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे हमारी हिप 19 इंच तैयार है, उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 23 इंच। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम कुंदों की कटिंग करेंगे। पार्ट्स जितनी हम लेंथ लेंगे 34 इंच। यहां से हम 1.5 इंच लेंगे। ये हमारा सिलाई के लिए है। और यहां से हम आसन रखेंगे। 5 इंच का आसन हमारा बेल्ट में तैयार रहेगा, 9 इंच का आसन हम यहां से रखेंगे। टोटल आसन हमारा 14 इंच तैयार रहेगा। पहले यहां से हम थोड़ा तिरछा निशान लगाएंगे और यहां से हम आसन लेंगे 9 इंच। ये टोटल हमारा हो जाएगा 10 इंच। अब वहां से हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। और यहां से भी 1.5 इंच लेंगे। अब इन निशानों को मिलाएंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। चारों कुंदों को एक समान कटिंग करेंगे।
ये हमने सलवार की कटिंग कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।